नमस्कार, हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में संत काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रश्न को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने भक्ति काल की परिस्थितियां प्रश्न को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और उस दौरान हमने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700, भक्ति काल की दोनों काव्य धाराएं निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा को लेकर थोड़ी सी चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम विस्तार पूर्वक संत काव्य परंपरा को लेकर यहाँ पर आज विचार विमर्श करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संत का अर्थ। सत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है, जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव तथा कबीरदास जी द्वारा परिवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा कहा है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण साहित्य कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा की संज्ञा दी है और वर्तमान समय में अधिकांश विद्वान इस काव्य परंपरा को संत काव्य के नाम से जानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने संत शब्द को शांत से विकसित माना है, जिसका अर्थ हो सकता है निवृत्ति मार्ग। इसी प्रकार आचार्य विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि संत वह है जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है। वस्तुतः संत पुरुष वही है जो सज्जन होने के साथ साथ इस वर्णों मुखी है। आज हिंदी साहित्य में संत शब्द निर्गुणोपासक साधकों के लिए रूढ़ हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों की। सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव। संत काव्य परंपरा का श्री गणेश महाराष्ट्र के महान संत नामदेव ने किया। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय का संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से है, लेकिन नामदेव नाथपंथी विनोबा खेचर के शिष्य थे। इनके बाद संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि संत कबीरदास जी का नाम आता है। संत कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संत कबीरदास जी के जीवन परिचय को लेकर हम कक्षा में पहले विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इनके बाद संत रैदास जी का नाम आता है। गुरु नानक देव जी का नाम आता है। रजब दास जी, दादूदयाल, मलूक दास और सुंदर दास इत्यादि संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के नाम लिए जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संत काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों की। सबसे पहले है निर्गुण उपासना। संत काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल देना है। इन कवियों ने प्राय अवतारवाद तथा बहुदेववाद का विरोध किया है। इन्होंने किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। संत कवि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। संत कबीर दास जी कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसी प्रकार
संत कवियों ने कहा है कि अलहै राम छूटा ब्रह्म मोरा, हिंदू तुरक भेद कछु नाही, देखूं दर्शन तोरा। संत कवियों ने अपने निर्गुण राम को राम, गोविंद, मुरारी, हरि, गोपाल, गिरधर आदि नामों से पुकारा है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग हिंदू मुस्लिम सब के लिए खुला है। उसमें चाहे राम हो या रहीम, इसको लेकर उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रमुख बिंदु है ज्ञान की महत्ता। संत कवियों ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है, क्योंकि निर्गुण की उपासना के लिए ज्ञान चक्षुओं का खुलना अनिवार्य है। संत कवियों ने शास्त्रीय ज्ञान नहीं अपितु व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ माना है। वे आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। संत कवि कागजी ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं। एक स्थान पर वर्णन भी किया गया है कि तेरा मेरा मनवा कैसे है होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। संत कवियों ने जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसके समूल विनाश की बात करते हुए ज्ञान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। संत कवि कहते हैं कि इसी आत्मज्ञान से मानव के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और आत्मा अपने परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इसके बाद संत कवियों ने गुरु महिमा पर विस्तार पूर्वक कहा है कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस परमात्मा, उस ईश्वर से मिलाता है, वहाँ तक पहुँचाता है। इसलिए संत कवियों ने गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ स्थान दिया है। संत कवि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। संत कबीर दास जी ने सच्चे गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। संत कबीर दास जी कहते हैं कि संसारिक मोह माया में हम उलझकर रह जाते हैं, इस मोह माया से बाहर निकालने वाले सच्चे गुरु हैं, वही हमें उस परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संत काव्य परंपरा की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है। संत कवियों ने आत्मा और परमात्मा की अभिव्यक्ति को बड़े ही सुंदर रूपों में अभिव्यक्त किया है। संतों की रहस्यवादिता अद्वैत परंपरा से जुड़ी है। संत कवि प्रकृति के घट घट में उस निर्गुण का प्रसार व सत्ता मानते हैं। निर्गुण, निराकार, निर्विशेष होने के कारण संतों ने उसे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथु ज्ञानी। संत कवि उस परम तत्व, उस परमात्मा से लो जोड़ते समय उससे विभिन्न संसारिक संबंध बनाने की बात भी कहते हैं। संतों की इस रहस्यवादिता में ज्ञान के साथ प्रेम भी जुड़ा है। फलस्वरूप निर्गुण भी सगुण बनकर भावना का एक नया रूप हमारे सामने आता है और विरहणी आत्मा उससे मिलने को तड़पती है अथवा उस चरम स्थिति तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए या विरहण को मीच दे या आपा दिखलाई, आठ पहर का धांजना मोपे सहाने जाई। तो इस प्रकार संत कवियों ने
बड़े ही अच्छे ढंग से रहस्यवाद का वर्णन किया है। संत कवियों ने तत्कालीन समय में समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था की भी कटु निंदा की है, विरोध किया है। समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, इन संत कवियों ने अपनी दिव्यवाणी के माध्यम से उस भेदभाव को दूर करने के भरसक प्रयास किए। उदाहरण के लिए संत कवि कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। संत कवि जाति पाति का कोई अर्थ नहीं मानते, वो तो उस परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर उसके स्मरण में ही लीन रहने की बात कहते हैं। और संसार में जो विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के नाम पर जो ये भेदभाव फैले हुए हैं, इन्हें दूर करने के लिए जन सामान्य को संत कवि जागृत करते हुए संत काव्य परंपरा में देखे जा सकते हैं। संत काव्य परंपरा की अगली प्रमुख प्रवृत्ति नारी के प्रति दृष्टिकोण है। संत कवियों ने व्याभिचारिणी नारी की ही निंदा की है और उससे बचने के लिए बार बार सावधान किया है। संत कबीरदास जी ने सती साध्वी तथा पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वे कहते भी हैं, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। अतः संत कवियों ने नारी के प्रति अपने दृष्टिकोण में बताया है कि व्यभिचारी नारी ही निंदा करने योग्य है, अन्यतर सभी स्त्रियां मुक्त कंठ से प्रशंसा के योग्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है माया के प्रति सावधानता। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में माया से सावधान रहने की बात कही है। संत कबीर दास जी इसे महाठगनी कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार माया के पांच बेटे हैं और यही भक्ति के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यही मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर विनाश की ओर धकेलती हैं। संत कबीर दास जी लिखते भी हैं, एक डायन मेरे मन में बसे, निस्दिन मेरे जीव को डसे। इस डायन के लरीका पांच, जिस दिन मोही नचावे नाम। संत कवि नामदेव ने भी माया से बचने की प्रेरणा दी है। संत कबीर दास अपनी दिव्यवाणी के माध्यम से तत्कालीन समय में लोगों को इस माया से जागरूक करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार मानव माया के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है, अपना सब कुछ खो बैठता है। कबीर दास जी कहते भी हैं, कबीर माया पापणी हरीसु करे हराम, मुख कड़ियाली कुमती कहन न देई राम। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करते हैं संत काव्य परंपरा के कवियों की भाषा को लेकर। संत काव्य परंपरा के कवियों ने सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग अपनी काव्य पंक्तियों में किया है। सामान्य जन भाषा के अनुकूल ही इन्होंने अपने काव्य की रचना की, क्योंकि ये कवि अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते थे। और संत कबीर दास जी जिस प्रदेश में गए, उसी भाषा को उन्होंने अपना लिया। इसी कारण कबीर दास की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी भाषा के बारे में लिखा भी है, भाषा पर
कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा की जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा में कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देगा। भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। अतः सभी संत कवियों ने पूर्ण रूप से सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है और जन सामान्य तक अपने विचारों को पहुंचाने का प्रयास किया है। संत कवियों के काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि अलंकारों के प्रयोग को देखा जा सकता है, तथा इसके साथ साथ दोहा, सोरठा, सवैया, कवित, चौपाई इत्यादि छंद भी इनके काव्य में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि संत कवियों का साहित्य भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का साहित्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इस विषय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर ईमेल आईडी के माध्यम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के सवाल को लेकर फ़ोन कर सकते हैं, उस सवाल को लेकर अपने टीचर से उसके समाधान पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।